Hello everyone. From today I'm going to upload videos on regular basis related to current affairs, जिसमें मैं mostly सारी important current affairs news discuss करने वाला हूँ. एंड ये मत सोचना कि चैनल न्यू है तो वीडियोस यूज़फुल नहीं होगी, कंटेंट अच्छा नहीं होगा. एक बार वीडियो पूरी देखो, अगर यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब करो चैनल ऐसी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखने के लिए. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. व्हेन वाज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड, देखो जो 3 मई है, 3 मई को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं. कब? 3 मई को. अब विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को टॉप किसने किया है? ये इंडेक्स आई थी थोड़े टाइम पहले, तो टॉप उसको किया है नॉर्वे ने. सेकंड नंबर पे है फिनलैंड. अगर बात करें हमारे इंडिया की, तो हमारे इंडिया है 142 नंबर पे. ठीक है, हमारे इंडिया की 142 रैंक थी. लास्ट ईयर हमारे इंडिया की रैंक थी 140, तो हमारा इंडिया 2 रैंक नीचे चला गया है. इसकी जो थीम है वो थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर विदाउट फेवर. ठीक है, डर या पक्षपात के बिना पत्रकारिता. और इसकी जो सब थीम है वो है सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड मैन जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स. उन सबकी सेफ्टी की सब थीम बनाई गई है, क्योंकि आजकल आप सबको पता है कि जैसे बहुत सी कंट्रीज है जिसके अंदर, जैसे नॉर्वे देख लो, नॉर्वे के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम कितनी अच्छे से उनको उनकी फ्रीडम दी गई है. बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है, इतनी फ्रीडम नहीं है, तभी तो हमारा देश 142 नंबर पर स्टैंड कर रहा है इसके अंदर. ठीक है, ये मनाया क्यों जाता है? ये यूनेस्को की गाइडलाइंस है, यूनेस्को की, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को. यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. ये इसका एम है, ये है क्या, ये क्यों बनाई गई है? ये तो ये बनाई गई है, इसका जो एम है वो है टू द बिल्डिंग ऑफ पीस, शांति स्थापित करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिमूव और इम्प्रूव करने के लिए. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए. इसके हेडक्वार्टर्स है पेरिस में. ठीक है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 4th नवंबर 1946. गॉट इट. और इसके अंदर जो टोटल मेंबर है राइट नाउ 193 टोटल मेंबर्स हैं. तो आप कहेंगे इंडिया का मेंबर है? जी हाँ, इंडिया का मेंबर है. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस करा इस क्वेश्चन से. अब इसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं. देखो, 1 मई को, अभी रिसेंटली 1 मई को अभी सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड लेबर डे. वर्ल्ड लेबर डे जो कि विश्व मजदूर दिवस बोला जाता है, उसके अंदर टोटल 187 मेंबर्स हैं. ओके, और उसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में. और अभी रिसेंटली COVID-19 की वजह से सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाली ऑर्गेनाइजेशन भी यही है, ILO. ओके, ILO सबसे ज़्यादा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. कहते हैं कि इसने अपनी हाफ ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ द एबोरिजिनल और लिविंग हुड, मीन्स इनकी श्रमिक आबादी और इनकी जो आजीविका है वो सारी खो दी है, क्योंकि COVID-19 से सबसे ज़्यादा इफेक्ट ही वही लोग हुए हैं जो डेली बेसिस पे अर्निंग थी जिनकी. ठीक है, फिर अब बात करते हैं इसके एक और ऑप्शन को, जिसके अंदर मैंने दे रखा है ये 2 मई. 2 मई को क्या सेलिब्रेट किया गया था? 2 मई को अभी वर्ल्ड ट्यूना डे. क्या है? ट्यूना एक फिश है जो कि अब इकोनॉमिकली भी बहुत महंगी है और न्यूट्रिशनली भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा, बहुत पावरफुल न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत यूज़फुल न्यूट्रिशंस होते हैं. गॉट इट. सो ये याद रखना. चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेकंड पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी स्टेट्स हैज़ बीन एडेड इन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम? देखो, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई थी जैन के अराउंड में, 1 जैन के अराउंड में. ठीक है, जिसके अंदर पहले 12 कंट्रीज़ थी, अब उनमें से कुछ स्टेट्स और ऐड किए गए हैं. तो वो स्टेट्स कौन से हैं और कितने हैं? देखो, अभी रिसेंटली उसमें 5 स्टेट्स को ऐड किया गया है. और जो 5 स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? बिहार, पंजाब, UP, दमन एंड दीव,
एंड हिमाचल प्रदेश, ये जो न्यू स्टेट्स हैं जो इसके अंदर अभी ऐड किए गए हैं। अब हम बात करें इसके अंदर पहले कौन से स्टेट्स थे, तो वो थे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका, केरला, एमपी, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा। ठीक है, ये स्टेट्स थे अभी पहले से इसके अंदर। अब इसका मतलब क्या है, ये है क्या ये स्कीम, इसके अंदर क्या है, जैसे आप किसी दूसरे स्टेट, जैसे आप यूपी के रहने वाले हो और यूपी में आके अगर आप दिल्ली के अंदर काम कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, तो आपको जो राशन कार्ड है वो आपको यहाँ पे आके दूसरा राशन कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसी राशन कार्ड से यहाँ पे भी राशन मिलेगा क्योंकि उसके साथ आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है। ठीक है, और ये अभी ये जो स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, ये फूड मिनिस्ट्री द्वारा की गई थी, फूड मिनिस्ट्री। सो हमारे फूड मिनिस्ट्री के कौन है, अभी हमारे फूड मिनिस्टर कौन है, वो है रामविलास पासवान। कौन है, रामविलास पासवान। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ विच बैंक, अभी RBI ने रिसेंटली कौन से बैंक का लाइसेंस कैंसिल करा है, सो कौन, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, CKP कोऑपरेटिव बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक। जी हाँ, इसका आंसर है CKP कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस अभी RBI ने कैंसिल कर दिया है। और ये 104 साल पुराना बैंक था, कितना, 104 ईयर्स ओल्ड बैंक था ये। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मुंबई में, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पे है, मुंबई में। और अब बात करते हैं RBI की। सो RBI क्या, RBI 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ था, 1935 को, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है, जो अभी रिसेंटली इसके गवर्नर है वो 25th गवर्नर है और वो है शक्तिकांत दास। कौन है, शक्तिकांत दास, SK दास, याद रखना है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 4। नेम द बुक विच इज रिटन टू रिविजिट महाराष्ट्र's हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड सोशल इवोल्यूशन। महाराष्ट्र की हिस्ट्री, उसकी पॉलिटिक्स और उसके ऊपर एक बुक लिखी गई है अभी रिसेंटली, तो उस बुक का नाम क्या है, सो उस बुक का नाम है इन शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। ठीक है, ये उसका नाम है। और जो मैंने बाकी ऑप्शंस लिखे हैं ये भी किसी ना किसी की बुक है। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ये मनोहर पारिकर की बुक है। अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्रॉम, ये है टोनी जोसेफ की। ठीक है, और पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, ये है आर एन पी सिंह की बुक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, याद रखना। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 5। रिसेंटली ए फेमस राइटर हु रोट डेली अननोन टेल्स ऑफ ए सिटी, ये बुक जिसने लिखी है अभी उस राइटर की डेथ हुई और वो कौन थे, सो उसका आंसर है RV स्मिथ। कौन थे, RV स्मिथ। देखो जो ये RV स्मिथ है, इन्होंने एक और बुक लिखी थी, उसका नाम है द दिल्ली दैट नो वन नोज, इसको याद रखना। ठीक है, और ये जो मैंने बाकी ऑप्शंस लिया है ये भी अभी ऑथर्स और कहीं ना कहीं से फील्ड से लिंक करते हैं जो अभी डाइड हुए हैं, ये हमारी कैजुअलिटीज़ हैं। ग्रीस कर्नड भी, ऋषि कपूर बॉलीवुड के हैं, अभी आपको पता है इनकी डेथ हुई है, एंड रुद्रा तेज सिंह। सो ये सारे भी ऑथर और किसी ना किसी फील्ड से रिलेटेड है, तो याद रखना इनके भी, ये भी कैजुअलिटी से रिलेटेड है। सो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NTPC ऑपरेशनल। देखो NTPC क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये मैंने बता दिया आपको। इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1975 में। कब हुई थी,
1975 में, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर्स है वो न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और जो अभी इसके चेयरमैन है वो है गुरदीप सिंह, कौन है, गुरदीप सिंह जी सिंह, ठीक है। ये एनटीपीसी से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई अभी आपको, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन है हु वॉज अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी ऑपरेशनल, तो कौन है इसके, रमेश बाबू, कौन है, रमेश बाबू, ये अभी रिसेंटली ये अपॉइंटेड किए गए हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी ऑपरेशनल, गॉट इट। अब देखो ये जो ऑप्शंस मैंने लिए हुए हैं, ये नीरज धवन, नीरज धवन कौन है, नीरज धवन ये अभी रिसेंटली ये भी अपॉइंट हुए हैं किसके, यस बैंक के सीआरओ, कौन है, सीआरओ। सीआरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने सीईओ सुना होगा, सीआरओ होता है चीफ रिस्क ऑफिसर, ओके। फिर आते हैं सेकंड पे, जो ये गिरिधर अरमानी, गॉट इट, ये हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी चूज किए गए हैं। फिर आते हैं हम अजय तिर्के, ये हमारे रिसेंटली किसके सेक्रेटरी चूज किए गए हैं, एज ही इलेक्टेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 7th, विच स्टेट सैफ्रन वॉज गिवन GI टैग। अभी रिसेंटली GI टैग मिला है केसर को, कौन से स्टेट के केसर को GI टैग मिला है रिसेंटली, सो ये GI टैग मिला है अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर की केसर को, किसको, जम्मू कश्मीर की। अब देखो ये जो मणिपुर है ना, मणिपुर के ब्लैक राइस, मणिपुर में जो ब्लैक राइस है ना उनको GI टैग मिला है। गोरखपुर में रिसेंटली जो टेराकोटा है ना, टेराकोटा ट्वाइस उनको मिला है। और तमिलनाडु में रिसेंटली कदलई मिताई इसको GI टैग मिला है। सो तीनों से रिलेटेड मैंने कुछ ना कुछ बताया, मणिपुर में ब्लैक राइस, गोरखपुर में टेराकोटा और तमिलनाडु में कदलई मिताई, और जम्मू कश्मीर का जो ये सैफ्रन है कैसर इसको रिसेंटली GI टैग मिला है, तो याद रखना। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8th, इन द स्प्रिंग सेशन द वर्ल्ड एस्ट्रोनॉमी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर। देखो ये बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, वसंत में, स्प्रिंग में। देखो जो ये डे है ना, ये एस्ट्रोनॉमी वर्ल्ड डे, ये दो बार मनाया जाता है, कितनी बार मनाया जाता है, दो बार, ट्वाइस इन ईयर वी कैन से, दो बार मनाया जाता है, एक बार स्प्रिंग में एक बार ऑटम में। जो स्प्रिंग में मनाया जा रहा है वो कब मनाया गया, सेकेंड मई, ठीक है। और जो ऑटम में मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 26 सितंबर वो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 8th, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्टेड द 13th वेबिनार टाइटल डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ देखो अपना देश सीरीज, सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड। देखो अभी क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है उसने एक वेबिनार लॉन्च किया है 13th एडिशन, वो कहाँ किया है, सरिस्का टाइगर रिजर्व। तो क्वेश्चन है कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व वो है कहाँ, ये देखो अपना देश सीरीज चलाई गई है, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, सो ये है राजस्थान में, गॉट इट। सो इसके सामने जो ये राजस्थान में अलवर में है, ठीक है, अलवर से कितना 35 किलोमीटर्स की दूरी पर है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। और ये सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है अरावली हिल्स में, कौन सी हिल्स में, अरावली हिल्स में। सो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के CM कौन है, अशोक गहलोत, कौन है, अशोक गहलोत। और वहाँ के गवर्नर कौन है, कालराज मिश्रा, ठीक है। अब देखो बात करते हैं ये जो बाकी ऑप्शंस हैं, अभी रिसेंटली हरियाणा में क्या हुआ है, रिसेंटली हरियाणा में जो भी डिपार्टमेंटल व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, जैसे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट व्हीकल्स खरीदे जाते हैं, कार खरीदी जाती है, जीप खरीदी जाती है, तो उन पर रोक लगा दी गई है 1 साल के लिए, ठीक है।
हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश में अभी रिसेंटली एक स्कीम के अकॉर्डिंग 120 डेज की रोजगार गारंटी दी गई है, ठीक है, किसकी, रोजगार गारंटी, वो सीएम की कोई स्कीम चलाई गई है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग रोजगार गारंटी दी गई है 120 डेज की, ठीक है। तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन यही मिल सकता है, तो कितने दिनों की वो रोजगार गारंटी दे रहा है, ठीक है, वो लेबर्स के लिए, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, जयराम ठाकुर, जे आर ठाकुर, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, ये हमारे हैं बंदारू बाबू, बंदारू, ठीक है, ये हमारे गवर्नर है बंदारू, गॉट इट। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, देखो मध्य प्रदेश ना अभी बहुत न्यूज़ में है और बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मध्य प्रदेश से कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मध्य प्रदेश ने अभी नेशनल चंबल सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन, किसको, नेशनल चंबल सेंचुरी को क्या करा है इन्होंने, इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया है, ठीक है। यहाँ पे नमस्ते ओरछा, नमस्ते ओरछा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा, चिली फेस्टिवल, चिली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। यहाँ पे कौन सा, जीवन शक्ति योजना, जीवन शक्ति योजना कहाँ की है, मध्य प्रदेश की। और जीवन अमृत योजना, जीवन अमृत योजना भी कहाँ की है, जीवन अमृत योजना भी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। और अभी मध्य प्रदेश में वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने क्या लॉन्च किया है, COVID-19 से ही रिलेटेड योद्धा कल्याण योजना, योद्धा कल्याण योजना। और ये रिलेटेड किससे है, ये रिलेटेड है आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी उनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, आंगनवाड़ीज के लिए कुछ अच्छे स्टेप्स लेने के लिए, ठीक है। सो ये सारी बेसिक चीज़ें थी जो हमने बात करी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। तरुण कुमार अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी, देखो अभी तरुण कुमार है ना, ये रिसेंटली कहीं किसी चीज़ के सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। तो ये किसके सेक्रेटरी हुए हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम, प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ पीएम, इकोनॉमिक अफेयर्स और होम सेक्रेटरी, बताओ। सो इसका आंसर है इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स के। अब बाकी ये जो है तीन ऑप्शन में, ये कौन कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम पीके सिन्हा, कौन है, पीके सिन्हा, ठीक है, कौन है, पीके सिन्हा। और जो प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ पीएम है, ये कौन है, प्रमोद कुमार मिश्रा। और होम सेक्रेटरी कौन है हमारे, अजय कुमार भल्ला, ठीक है, अजय कुमार भल्ला। सो ये चीज़ें हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ये इम्पोर्टेंट है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएम कौन है, पीके सिन्हा, ठीक है। हमारे प्रिंसिपल एडवाइज़र ऑफ पीएम कौन है, ये है पीके मिश्रा। इकोनॉमिक अफेयर्स तरुण कुमार, होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला। चलो क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर निकाई एशिया अवार्ड प्राइज, देखो हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर निकाई एशिया प्राइज 2020, देखो विनोद कुमार शुक्ला, गीता सेन, रुचिका तोमर एंड थलपिल प्रदीप, ये तो इसका आंसर है, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो जो विनोद कुमार शुक्ला है, वो फर्स्ट मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के लिए अवार्ड किया गया है, ठीक है, उनको अवार्ड मिला है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर के लिए विनोद कुमार शुक्ला को। गीता सेन को मिला है डैन डेविड
अवार्ड, ठीक है। गीता सेन को कौन सा मिला है? डैन डेविड अवार्ड। रुचिका तोमर, रुचिका तोमर को कौन सा मिला है? हेमिंगवे। कौन सा? हेमिंगवे, हेमिंगवे अवार्ड। कौन सा अवार्ड? हेमिंगवे अवार्ड। और जो हमारा आंसर है वो ये है, इनको कौन सा मिला है? निकाई एशिया प्राइज 2020। सो ये हमारी आज की डिस्कशन थी। ये मेरी पहली वीडियो थी, इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन लेके आ पाया, और वैसे तो मोस्टली सारे करंट अफेयर्स मैंने MCQs के थ्रू कर दिए हैं। बट अगर आप मुझे कुछ रिकमेंड करना चाहते हो कि किस तरीके से मैं और अपनी वीडियोस को एनहेंस कर सकता हूँ, तो प्लीज़ एडवाइस करो मुझे कमेंट सेशन में, प्लीज़, ठीक है। एंड सपोर्ट मी गाइज, हर कोई एक ना एक दिन न्यू होता है, तो आज मैं न्यू हूँ, ठीक है, सपोर्ट करो।